सो गया ड्रीम ऑडियो नई वीडियो आई हमारे पास आई है स्कॉर्पियो एंड इसके अंदर हम ऑडियो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा ओल्ड सेटअप रहने वाला है ऑडिशन का जो उसमें फ्रंट कंपोनेंट लगा रहे हैं और रियर कंपोनेंट लगा रहे हैं और एक सबवूफर डाल रहे हैं। आप लोग स्कॉर्पियो एंड के काफ़ी हमें क्या हुआ कि जो हम पीछे सबवूफर लगाते थे इसमें काफ़ी दिक्कतें होते थे कि हम डीएफ बोर्ड बना के फिर हमें कटिंग करके हमें वूफर लगाने पड़ते थे, इसमें कई दिक्कत आए थे। और जो अब जो हमने फिटिंग चेक करी है जो हमारा ऑडिशन के एक्टिव वूफर आता है एक्टिव वूफर विद एमली फेयर जो विद बॉक्स है वो आपका प्रॉपर फिट हो जाता है पीछे। तो मैं आप लोग उसकी फिटिंग चेक कराऊंगा और मैं स्टार्टिंग करता हूँ कंपोनेंट से। जो कंपोनेंट हमारा रहने वाला है वो चे सीरीज का AVK6 ये फ्रंट कंपोनेंट लगा रहे हैं और जो आपका ऑडिशन की APK 165P ये हम रियर लगा रहे हैं और जो इसके साथ फोर चैनल लगा रहे हैं हमारा फोर चैनल रहने वाला है SR4.500 ये फोर चैनल ऐड कर रहे हैं। और जो हमारा सब वूफर आप लोग को बताया एक्टिव सब वूफर ये हमारा ऑडिशन का रहने वाला है 10 इंच। इस गाड़ी में काफ़ी प्रॉब्लम वूफर की आ रहा था लेकिन ये वूफर की साइज ऐसे है कि आपको बेस भी अच्छी मिलती है और मैं फिटिंग भी दिखाऊंगा कि बिल्कुल फिटिंग भी अच्छी आई है। और जो इसकी वायरिंग करी है वायरिंग दिखा रहा तो मैं आप लोग को ये हमने स्कोसे की वायरिंग 2 किट डाली है और जो स्पीकर वायर है स्टिंगर की और जो इसके साथ हमने पूरी गाड़ी डैम्पिंग करी है 150 डिक्की ये हमने मोरल की डैम्पिंग करी है। तो मैं आप लोग को सारी चीज़ बता दिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वूफर की समस्या था वो बिल्कुल स्कॉर्पियो में ख़त्म हो गया। तो चलते हैं गाड़ी में, आप लोग गाड़ी में दिखाते कैसे फिटिंग आया। तो ये आ चुके हम गाड़ी के पास, इसने डबल डे डैम्पिंग करी है आप लोग को चेक कर पाते हैं और यहाँ नहीं कर रखी है, मतलब काफ़ी डिफरेंट आया था साउंड क्वालिटी में। तो जो फ्रेंड आप लोगों को मैंने डैम्पिंग दिखाई मोरल की डबल रेड डैम्पिंग करी हमने अंदर और बाहर और जो कंपोनेंट की है आप लोगों को अंदर नहीं दिखाई, हमारा क्रॉसओवर मिल जाता है और क्रॉसओवर की जो सेटिंग है किसी को ट्रैवल मतलब तीन तरह से इसमें ट्रैवल सेट कर सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा आता हूँ। जो हमारा ट्रैवल रहने वाला है +2, 0 और +3, -2, -, कि मतलब आप नॉर्मल रखना 0 पर रख सकते हैं जिसको ट्रैवल कम चाहिए, -2 कर सकते हैं जिसको ट्रैवल अच्छा लगता है वो +2 कर सकते हैं। तो इसको हम रख लेते हैं अभी 0 पे नॉर्मल और उसके ऊपर जो हमें देखता है उस हिसाब से सेट कर लेंगे। जो मिड बेस है मैं आप लोगों को मिड बेस भी दिखाता हूँ, ये आपका मिड बेस रहता है जो फ्रंट के कंपोनेंट वॉच था इसका मिड बेस रहता है। अब इसके हम कवर लगा देते हैं, बिल्कुल फिट हो गया। कई कंपोनेंट में क्या था कवर लगने में दिक्कत करते हैं। और आगे हम रियर डोर पे, जो हमारा रियर डोर है ये आप लोग मिड बेस चेक कर सकते हैं और जो ये क्रॉसओवर है इसके साथ क्या है कि इसके अंदर हमने पहले इसमें डैम्पिंग से लगाए हुए थे जिससे हमने डैम्पिंग पे सही पकड़ लगे, फिर हमने इसको टाइप बेल्ट से फिक्स कर दिए। आप लोग को दिख रहे होंगे ये हमारा 2 क्रॉसओवर मिलता है टूटर के लिए अलग और मिड बेस के लिए अलग। जो फ्रंट के टूटर लगाया ये बिल्कुल फ्लैश माउंट कर दिया हमने, ये हमारा जो कॉर्नर है गाड़ी का वो जो हमारा डोर्स के ऊपर लगते हैं वहाँ पे हमने बिल्कुल टूटर फ्लैश कर दिया। आप लोग फिटिंग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है, कहीं से कोई गैप नहीं है, बिल्कुल सही फिटिंग आई है। और जो रियर डोर है मैं रियर डोर को दिखाता हूँ आप लोग को, रियर डोर पे भी हम फ्लैश टूटर लगा दिए तो आप लोग को दिख रहे होंगे। और सबसे पहले चीज़ है कि जो मैं सबवूफर के आप लोग को फिटिंग दिखाता हूँ कितनी अच्छी फिटिंग आई है। तो चलते हैं वूफर के पास, आ चुके हैं हम वूफर के पास। ये आप लोग वूफर देख सकते हैं, सबसे पहले जो ये डैम्पिंग हमने मेटल की डैम्पिंग करी है सो आप लोग को दिख रहे होंगे मोरल की हमने पहले मेटल की डैम्पिंग करी है फिर उसके ऊपर हमने फोमिंग करी है और फिर हमने सब वूफर लगाए किसी तरह से आपकी आवाज़ ना आए कि गाड़ी के अंदर से भाई कि जो हमारा इसकी पार्ट है कि खर 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 की आवाज़ आ रही है कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि हम मेटल डैम्पिंग करी और फोमिंग करी है कि काफ़ी गाड़ी को मजबूत कर दिया हमने, किसी तरह से आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आएंगे। और जो फिटिंग है आप लोग फिटिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे फिटिंग है कैसे लगते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए ही वूफर बना है। काफ़ी मतलब जो था हमें MDF बोर्ड बना के जुगाड़ करने पड़ता था, इसमें कोई जुगाड़ नहीं करना है। जो कंपनी के विद बॉक्स एमली फेयर आता है एक्टिव वूफर बिल्कुल एक्चुअल फिट हो गया, जिससे कंपनी फिटेड हो, जिस हिसाब से जगह बनी है उस हिसाब से वूफर है। आप लोग फिटिंग चेक कर सकते हैं। और जो इसके ऊपर बाहर की है मैं ये भी दिखाता हूँ आप लोग को कि हमें इससे भी बिल्कुल फकर बन जाते हैं, ये भी अभी फिट करेंगे हम इसके साथ।
ये आपका ऐसे फिटिंग ये अभी लगेगा इसके ऊपर, इसको हम टाइट करके भी आप लोग को दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसे इसके साथ फिटिंग हो जाएगा कि मतलब एक्चुअल इसी के साथ फिटिंग है, ये नहीं कि इधर आना है बुफर उधर आना है। बेस में बिल्कुल तसल्ली मतलब आ गई है, हमने सुन के देख लिया काफ़ी अच्छा आ गया। बाकी फिटिंग बंद करने के बाद भी मैं बुफर सुन के आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आवाज़ आई है, आप लोग इस हिसाब से बुफर लगवा सकते हैं, काफ़ी बुफर में मज़ा आने वाला है। तो मैं पूरी गाड़ी पैक करके फिर मैं आउटपुट सुन के आप लोगों को बताऊंगा कि बुफर का क्या रिस्पॉन्स आया। सबसे ज़रूरी बुफर है कि इन गाड़ी के अंदर क्या है कि डिक्की बिल्कुल छोटी है, तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि भैया मुझे डिक्की खाली चाहिए और ढंग के बुफर पीछे नहीं आ पाते। और जो हमारा राइट साइड की जगह दी हुई बुफर के लिए, इस हिसाब से हमें जो ऑडिशन का है एक्टिव बुफर मिल गया, तो मैं इसका रिस्पॉन्स ज़रूर बताऊंगा आप लोग को। आप जितने स्कॉर्पियो वाले हमारे भैया आप लोग इस बुफर यूज़ कर सकते हो बिना किसी जगह लिए हुए। तो मैं आप लोग को फिटिंग बंद करके फिर मैं आपको लास्ट में इसकी आउटपुट डिटेल बताऊँगा क्या मज़ा है। सो गाइस, पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं और जो आपका बूफर के दिखाया था वो भी पैक कर चुके हैं। आपको जो हम बूफर की फिटिंग करें पहले मैं फोर डोर दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोग की जो सब वूफर की है सब वूफर की भी दिखा देता हूँ कि बहुत अच्छी फिटिंग आई है। आप लोग अभी आप लोग चेक कर सकते हैं, तभी हम बिल्कुल जैसे फिटिंग पहले बंद थे उस हिसाब से फिटिंग बंद है। मतलब लग आपको जो बूफर की आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। बूफर कैसे फिटिंग आई कि स्कॉर्पियो लेके बना हो, बहुत मज़ेदार फिटिंग और जो आउटपुट भी आया बहुत अच्छा आया। और मैं आप लोग को इसके आउटपुट भी सुनाता हूँ। काफ़ी रात हो गया है तो जो बूफर की इसकी जगह बनी हुई है, बात करें बेस बहुत अच्छी आ रही है। किसी को अगर डिक्की कवर नहीं करना, अगर अच्छी बेस चाहिए तो आप लोग जो बूफर की जगह दी हुई है राइट साइड में वहाँ बूफर लगवा सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार बूफर है, जो आउटपुट है काफ़ी मज़ा आ गया, ना कोई वायरिंग की गुंजल ना कुछ, आउटपुट भी A1 की। तो वीडियो करते हैं एंड, अगर आप लोग को इसे काम करवाना है तो आना कहें ड्रीम ऑडियो पे, और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211222007। तो वीडियो करते हैं, जय श्री राम।